क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना ये मिली थी कि हम रोजीना वहाँ जगाने के लिए सुबह में जाते हैं, जगाने के लिए गए तो क्या कहते हैं गेट बंद था, हम हल्ला भी किए लेकिन गेट खुला। रेस्ट रूम में खटाल है, वहाँ पर एक जो यहाँ पर कार्यरत कर्मी थे, चार कर्मी एक्चुअली कार्यरत थे और दो भाग में खटाल है, तो एक खटाल के एक भाग में तीन आदमी सोते थे और खटाल के दूसरे भाग में एक आदमी सोते थे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में, आपके साथ विवेक कुमार। मुजफ्फरपुर में अपराधी बेखौफ हो गया, लगातार नाइट गार्ड को अपना निशाना बना, अभी तक चार नाइट गार्ड पर उन्होंने हमला बोल दिया है, जिसमें तीन नाइट गार्ड की हत्या हो गई और एक नाइट गार्ड का इलाज एसोसिएशन में किया जाता है। मामला मुजफ्फरपुर का है, अयापुर थाना क्षेत्र के IIG ग्राम फेज टू का, जहां पर गौशाला के रखवाली कर रहे नाइट गार्ड पर गला दबाकर हत्या कर दी। अब को बता दें कि पूरी मामले को लेकर पुलिस की आशंका है कि कोई सीरियल किलर है जो इस तरीके का काम कर रहा है और घटना को अंजाम दे रहा है। पूरे मामले को लेकर DSP राघव गैल क्या कुछ कर रहे हैं ये पहले सुनिए। अयाची ग्राम फेज टू में एक खटाल है, वहाँ पर एक जो यहाँ पर कार्यरत कर्मी थे, चार कर्मी एक्चुअली कार्यरत थे और दो भाग में खटाल है, तो एक खटाल के एक भाग में तीन आदमी सोते थे और खटाल के दूसरे भाग में एक आदमी सोते थे रात्रि में। इन कैंपस तो चारों तरफ से घेराबंदी किया हुआ, लेकिन इनके दरवाजे के ऊपर में थोड़ा सा खुला हुआ स्थान है। सुबह में इनका डेड बॉडी मिला है, लगता है कि गला दबा के हत्या किया गया है, नाक और मुँह से ब्लड निकला हुआ था। सर लगातार चार हत्या, तीन हत्या है सर नाइट गार्डों की, सर क्या आशंका है बताया जाए? देखिए तो जो भी घटना घटी है इसमें किसी भी मृतक का किन्हीं के साथ कोई पूर्व का दुश्मनागत या इस तरह का बात परिलक्षित नहीं हुआ है, और जो खुले स्थान रह रहा है उसी में घटना घट रही है, लगातार पुलिस भी निगरानी में लगा हुआ है। अगल बगल का CCTV कैमरा से भी कुछ फुटेज आया था, उसके आधार पर हम लोग कुछ लोगों को चिन्हित किए थे, लेकिन अभी तक हम लोग इस कांड को उद्भेदन करने में सफल नहीं हो पाए हैं। मर्डर हो गया। क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना ये मिली थी कि हम रोजीना वहाँ जगाने के लिए सुबह में जाते हैं, जगाने के लिए गए तो क्या कहते हैं गेट बंद था, हम हल्ला भी किए लेकिन गेट खुला नहीं। कितने दिन से आपके पास में काम कर रहा था वो? तीन महीना दस दिन। तीन महीने। कहाँ के रहने वाला है वो? वो समस्तीपुर के हैं। अच्छा, क्या नाम है? शंकर राय। उम्र? उम्र 30-32 हो गए ऐसे हो। कुछ ऐसा आपके किसी से दुश्मनी की वजह? नहीं। किसी से झगड़ा उगड़ा हुआ था उसको? नहीं नहीं। क्या नाम हुआ आपका? कमलकांत झा। कौन हुए वहाँ का खटाल के मालिक है? नहीं, हम संचालक हैं। संचालक। कौन सा जगह हुआ? क्या ये पैगंबरपुर कॉल हुआ, अयाची ग्राम फेज टू। तो आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर DSP राघव दयाल ने क्या कुछ कहा है? उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस छानबीन में जुट गई है और जिस तरीके से घटना को लगातार अंजाम दिया जा रहा है, इस 10 दिनों में लगातार चार नाइट गार्ड पर हमला हुआ है, जिसमें तीन नाइट गार्ड की मृत्यु हो गई है और एक नाइट गार्ड का इलाज एसोसिएशन में किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सीरियल किलर का तरह से उनसे लूटपाट भी नहीं की जा रही, बस नाइट गार्ड को निशाना मारा। पूरे मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी है, जैसे ही कोई नया सुराग मिलेगा पुलिस उसे जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहना, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।